रक्षा राज्य मंत्री ने उत्तरी कमान का किया दौरा, सुरक्षा और परिचालन स्थिति का लिया जायजा। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की और रक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्हें सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा और परिचालन स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। श्रीनगर में एसआई की विभिन्न जगहों पर छापेमारी कार्रवाई जारी। शिवखोड़ी और शंकराचार्य मंदिरों में रोपवे शुरू करवाने की तैयारी, 2025 तक पूरा करेंगे काम। इन परियोजनाओं को अगले साल तक शुरू करके 2025 तक लोगों को समर्पित करने की योजना है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर दोनों जगहों पर प्रतिवर्ष 10,000 से 20,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में 15 नए वर्गों को मिलेगा आरक्षण का लाभ, उपराज्यपाल ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर में आरक्षण के लिए पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहे वर्गों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिवाली का तोहफा दिया है। सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत 15 नए वर्गों को शामिल करके सामाजिक जाति सूची को फिर से बनाने के आदेश जारी किए हैं। टेरर फंडिंग को लेकर एसआई की श्रीनगर सहित कई जगहों पर छापेमारी, संदिग्धों में एक पीएचई कर्मी भी शामिल। इस छापेमारी को लेकर एसआई ने विशेष टीमों का गठन किया था और इन टीमों के साथ भारी संख्या में पुलिस व सीआरपीएफ के जवान भी शामिल है, जो इस कार्रवाई के दौरान स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर तैनात किए गए हैं। दिवाली पर जम्मू पुलिस सतर्क, जवानों को अलर्ट पर रहने को कहा गया। दरअसल दिवाली पर बड़े हमले की आशंका के चलते पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। इसके लिए पुलिस लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखे जाने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने, पुलिस कंट्रोल रूम में वैन या नाके के तैनात कर्मियों को सूचित कर सकता है। लगातार बढ़ रही डेंगू पीड़ित, तो दूसरे दिन 200 से अधिक मामले दर्ज, स्वास्थ्य विभाग चिंतित। विभागीय अधिकारी अब लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं और सभी विभागों के अलावा लोगों से भी अपने क्षेत्रों में पानी को जमा न होने की सलाह दे रहे हैं। दिवाली पर भारतीय रेलवे टिकट के दाम 5 गुना बढ़े। दिवाली के मौके पर स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। ज्यादातर डिवीजन में 10 रुपए में मिलने वाले प्लेटफॉर्म 30 रुपए का मिल रहा है। दूसरी तरफ वेस्टर्न रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने प्लेटफॉर्म टिकट का दाम सीधे 50 रुपए कर दिया है। दाम 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।